हेलो, वेलकम बैक अगेन टू ADBZ आर्किटेक्ट। और आज हम फिर से आपके लिए शेयर करेंगे एक और न्यू हाउस प्लान। इसके फ्रंट की बात करें तो फ्रंट आएगा 21 फीट, और इसकी डेप्थ की बात करें तो डेप्थ है 53 फीट। और ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, और मैं अब आपको इसकी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट में आएगा पोर्च और एक ओपन स्पेस फ्रंट में, एक ड्राइंग रूम, ठीक है, और एक आपकी आ जाएगी लॉबी, और लॉबी से ही कनेक्ट रहेगा इस टॉयलेट ओपन, और आपका एक आएगा इसमें अटैच टॉयलेट प्लस ड्रेसिंग। देन लॉबी से आपका कनेक्ट होंगे जिसमें वो स्पेसेस हैं आपके, एक आपका किचन ओपन रहेगा, बेडरूम, और बेड के साथ अटैच होगा स्टोर, और एक पीछे ओपन स्पेस जो यूज़ होगा वेंटिलेशन में। तो ये स्पेसिस हैं इसके। स्टेयरकेस इसमें जो है इंटरनल रहेगा, बाकी मैं आपको इसके जो है सभी साइजेस और उसके जो अरेंजमेंट बता देता हूँ। राइट साइड से कनेक्ट होगा इसमें पोर्च। पोर्च का जो साइज़ है वो 10x15 फिट रहेगा। तो एक चीज़ हमारी क्लियर हो गई है, अब हम जो है इसमें आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट साइड में रहेगा इसमें फ्रंट ओपन, जो कि 5 फिट जो है मकान पीछे बनेगा, ये हटके 5 फिट इसमें ओपन रहेगा फ्रंट में। ओपन से ही कनेक्ट होगा इसमें ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम का जो साइज रहेगा वो 10x12 फिट रहेगा। और इससे इसका जो है एक डोर अंदर खुलेगा, और ये वाला जो हमने मार्क लगाया है ये लॉबी से डोर खुलेगा, हमारा मेन डोर। अब आते हैं हम लॉबी में। तो लॉबी से सबसे पहले आपको मिल जाता है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस इसमें एल शेप में रहेगा, और बाकी जो लॉबी का साइज है वो 13x11 फिट रहेगा, ठीक है। लॉबी से ही एक कनेक्ट होगी इसमें टॉयलेट। टॉयलेट का जो डोर है वो 2.5 फिट का रखते हैं हम जनरली, और 6x3.5 फिट की इसमें टॉयलेट आएगी। और उसके साथ ही जो है इसमें कनेक्ट है आपके लॉबी से, जैसा हमने आपको पहले जो है रिक्वायरमेंट बताया था, तो ओपन रहेगा इसमें किचन, और इसका जो साइज़ है वो 9x11.5 फिट है, और लगभग यू शेप में इसमें स्लैब रहेगा जो हमने मार्क कर दिया है रेड शेप में। और पीछे रहेगा इसमें ओपन स्पेस 13x5 फिट का, जिसमें से एक डोर किचन से दिया गया है, ठीक है, और एक डोर आएगा इसमें बेडरूम से, 11x11.5 फिट का इसमें बेडरूम रहेगा, और बेड और उसके LCD यूनिट आमने सामने रहेंगी, और उसी से एक डोर कनेक्ट होगा 7x5 फिट का जो एंड हमें स्टोर में एक्सेस देगा। इसी बेडरूम से कनेक्ट है आपकी ड्रेसिंग 5x3 फिट की, और ड्रेसिंग से कनेक्ट है आपका टॉयलेट 5x5 फिट का। तो इन दोनों के जो है वेंटिलेशन के लिए हमने यूज़ किया है ओपन स्पेस 5x3 फिट का, जो वेंटिलेशन करेगा हमारी टॉयलेट का दोनों का। अब मैं आपको जो है वेंटिलेशन बता देता हूँ। ड्राइंग रूम का वेंटिलेशन फ्रंट से हो जाएगा, यहाँ पे हम बड़ी विंडो लगा सकते हैं, और साथ ही ब्लू कलर देख रहे हैं जहाँ जहाँ पर विंडो वेंटिलेशन है, लॉबी का वेंटिलेशन भी यहीं से हो जाएगा, विंडो लग जाएगी। और टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए जो है आपका बीच में ओपन शाफ्ट दी गई है, दोनों टॉयलेट का वेंटिलेशन हो जाएगा। देन उससे आगे चलें तो ओपन स्पेस से किचन, बेडरूम और स्टोर तीनों का वेंटिलेशन हो जाएगा। तो ये मॉड्यूल है 21x53 का। अगर आपकी भी प्लॉट में इसी तरीके से रिक्वायरमेंट है तो आप अपने लिए डिज़ाइन करवा सकते हैं। बाकी आप जो है प्लॉट और साइज डिफरेंट है तो आप अपने लिए न्यू हाउस प्लान जो है बनवा सकते हैं, ठीक है। हमारे नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ADBZ आर्किटेक्ट्स। टेक केयर। बाय बाय।